तो आज हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? देखिए, स्मार्ट आर्ट यही जब हम शेफ्स को कलेक्शंस में लिख रहे होते हैं तो उसको हम स्मार्ट आर्ट कह रहे हैं। मतलब प्री डिफाइंड शेफ लेआउट इज कॉल्ड स्मार्ट आर्ट। यानी कि पहले से बने बनाए शेफ्स के डिजाइन लेआउट जो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बने बनाए हैं, सिर्फ उनको मैनेज करना है या किसी आईडी के अंदर उसको फिक्स करना है, उसे हम कह रहे होते हैं स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आर्ट का। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें ऑल आ रहा होगा, जिसमें काफी सारे से स्मार्ट आर्ट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर चाहेंगे लिस्ट में, तो यहाँ पर आपको लिस्ट से रिलेटेड स्मार्ट आर्ट नजर आएंगे। फिर आएंगे हम यहाँ से प्रोसेस में, तो यहाँ पे प्रोसेस से रिलेटेड स्मार्ट आर्ट हमें नजर आएंगे, ठीक है, जो किसी प्रोसेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साइकिलिंग, हायरार्की, रिलेशनशिप, हर एक आइडिया को किसी ना किसी स्मार्ट आर्ट में फिट करना पड़ेगा या करना आना चाहिए, और वो स्मार्ट आर्ट उस आइडिया से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, ये वही शेप्स हैं। लेकिन शेप्स में क्या किया है इन्होंने कि वो पहले से आपके लिए अरेंज करके कुछ लेआउट्स बना दिए हैं ताकि आप कोई आइडिया जो लोगों के आगे एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी डिजाइन की सूरत में, लेआउट की सूरत में, वो आप इसमें से चूज करें एक स्मार्ट आर्ट और उस आइडिया को उसके अंदर फिट कर दें ताकि लोगों को वो आइडिया बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने सेक्शंस भी बना दिए, पैरामिड, कोई भी चीज टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप शो करने के लिए, मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिसेस में मतलब कोई भी सोल्यूशन और उसकी डिटेल्स बताने के लिए, रिलेशनशिप, कोई भी दो या दो से ज्यादा केमिकल्स, ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमन रिलेशनशिप को शो करने के लिए, और हायरार्की मतलब मारूसियत, कोई भी टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट हो गई या फिर उसके अंदर सबॉर्डिनेट्स और उसके सबॉर्डिनेट्स के केमिकल्स के सब रिएक्शंस या सब केमिकल्स जो होते हैं उनको शो ऑफ करने के लिए, साइकिलिंग किसी भी प्रोसेस को बताने के लिए कि एक साइकिल किस तरह से स्टार्ट होती है और दूसरा वो कहाँ पर पहुँचती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि वो बटरफ्लाई लाइफ साइकिल क्या होती है, ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होती है, या बिजनेस लाइफ साइकिल क्या हो सकती है, ठीक है, या प्रॉब्लम्स लाइफ साइकिल क्या हो सकती है, उनको उसमें फिट कर सकते हैं। प्रोसेस, किसी भी अमल को वजूद में लाने के लिए प्रोसेस आप बताना चाह रहे हैं, एडमिशन का प्रोसेस है, जॉब का प्रोसेस है, टेस्ट का प्रोसेस है, या फिर जो है मैरिज प्रोसेस है, या फिर कोई डाइवोर्स प्रोसेस है, तो वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है हमारी लाइफ में, कोई भी जो भी जितनी भी एक्शन है उनके प्रोसेस को उसमें फिक्स करके लोगों से जानते। लिस्ट लेबलिंग के लिए लोगों के नाम, पिक्चर्स, पिक्चर्स के विथ नाम उनके साथ शो ऑफ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल वन से, लिस्ट वाला लेते हैं, इसको कैसे अरेंज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। हम ये सारे तो नहीं बनाएंगे क्योंकि इतने आइडियाज शायद हमें नहीं है, हम इनमें ये सीखेंगे कि कोई भी अगर इसमें से कोई स्मार्ट आर्ट लेते हैं तो उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे आपको आइडिया आते जाए उनके अंदर फिक्स करते जाइएगा, वो आप ओके करेंगे तो ये देखेंगे आपके सामने क्रिएट होके आ जाएगा। अब ये जब एक्टिवेट होगा आपके सामने तो यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट का टैब आ रहा होगा, और स्मार्ट आर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर्स मिलेंगे। अच्छा, वैसे आप जब यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो ये नजर नहीं आएगा स्मार्ट आर्ट का टैब, जब आप इधर क्लिक करेंगे तो ये स्मार्ट आर्ट का टैब यहाँ पे कलर नजर आएगा। तो कलर से जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ डिफरेंट कलर स्टाइल्स हैं जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट यहाँ से कर सकते हैं। टास्क पेन को हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, अभी टास्क पेन क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं। और अगर लेआउट को चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और अगर स्टाइल्स को चेंज करना हो जैसा लेआउट यहाँ से किस तरह से दिखाना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी लेआउट ले लिया उसको बाद में दोबारा से रीसेट करना है तो उसको यहाँ से रीसेट कर देंगे तो सेट हो जाएगा। दोबारा से लेना है कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, वो यहाँ से आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको अरेंज करने के लिए इसको दो तरीके से लिखना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया। तो अब लिस्ट में क्या हो सकता है, कोई भी लेबल जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो फ्रेंड्स की लिस्ट हो सकती है, प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकती है, क्लास में स्टूडेंट्स की लिस्ट हो सकती है, फेलोज की लिस्ट हो सकती है, सब्जेक्ट की लिस्ट हो सकती है, सॉफ्टवेयर की लिस्ट हो सकती है, व्हाट एवर, किसी भी लिस्ट के नाम को शो करना है तो नाम कोई भी शो किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये हमने इसमें कुछ नाम ऐड कर दिए, तो ये सिविल लिस्ट हो सकती है। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के नाम लिख लें, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर नाम लिख लें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, तो इस तरह से कोई भी लिस्ट आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो इसमें की जा सकती है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, मैनेज में देखें ये कि मैंने नाम तो लिख दिए, अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऊपर कमांड आ रही है एड शेप, और तो एड शेप पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे और कमांड मिलेंगी, एड शेप आफ्टर एंड बिफोर। लेट्स सपोज अगर मुझे इसके बाद एक शेप चाहिए यहाँ पे इसके बाद, तो मैं कहूंगा क्लिक करके उसके ऊपर एड शेप आफ्टर, तो देखिए इसके बाद एक शेप ऐड हो जाएगा, और अगर इससे पहले एक शेप चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एड शेप बिफोर, तो इससे पहले भी एक शेप ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बाद कहूंगा कि इस शेप को यहाँ पे लिख देते हैं सपोज, अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा ना, तो इस पर राइट बटन दबा के मैं ऐसे एडिट टेक्स्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मूर्ख को यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है डीमोट का, तो जिसे डीमोट करूंगा तो वो स्टूडेंट की कैटेगरी में तो इसके साथ सबऑर्डिनेट हो जाएगा, डीमोट, डीमोट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको डीमोट कर दिया। तो ये देखें इस तरीके से ये तीनों इसमें डीमोट हो गए। अब मुझे इनको अलग अलग करना है, दोबारा से क्लिक करके मैं इनको प्रोमोट, और फिर से इसको कहूंगा प्रोमोट, और फिर से मैं इसको कहूंगा प्रोमोट, तो इस तरह से देखेंगे दोबारा से अलग अलग प्रोमोट हो गए, तो ये डीमोट और प्रोमोट ऐसे हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये सिमरन का नाम दिशा से पहले आए तो मूव अप, मूव अप, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिमरन का नाम इनके बाद आए तो मूव डाउन, मूव डाउन, तो इस तरीके से मैं इनको इजिली अरेंज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का क्या है कि जो डेटा इधर नजर आ रहा है वो इधर आए, जो इधर का डेटा है वो इधर नजर आए, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब ये तो हमने इसको यहाँ से करके देख लिया, अब आते हैं हम इसके ऊपर टास्क पेन के ऊपर, यही सारे काम जो हमने यहाँ से किए इन कमांड से हम टास्क पेन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, ये जितने भी बुलेट्स आ रहे हैं ये सब इसको एक एक को शो करें। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये खाली है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज, यहाँ पे राशिद लिख दिया, तो यहाँ पे इस तरह से कम्प्लीट हो गया। अब मुझे एक ऐड कराना है, फॉर एग्जाम्पल मूर्ख और निशा के दरमियान में ऐड कराना है, तो एंटर, ये ऐड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रसाजिया के बाद ऐड कराना है, तो एंटर, ये ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से पहले ऐड कराना है, तो यहाँ क्लिक किया एंटर, तो यहाँ से भी ऐड हो गया। अब इनको डिलीट करना है, तो यहाँ क्लिक किया बैक स्पेस, डिलीट हो गया, नहीं हुआ डिलीट, ये हो गया डिलीट, हो गया डिलीट, ये देखें डिलीट हो गया, यहाँ पे रखा डिलीट, और ये आखिरी वाला भी डिलीट हो गया। अब मुझे इनको दोबारा यहाँ से क्लिक करके किया टैब, तो स्टूडेंट की कैटेगरी में दोबारा ही ऐड हो गए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनको दोबारा अलग अलग करना है, तो बैक स्पेस, और यहाँ पे रख के किया मैंने इसको बैक स्पेस, और यहाँ पे रख के किया बैक स्पेस, तो यहाँ से इस तरह से मैनेज हो गया। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, टास्क पेन को ऑफ कर दें यहाँ से। अच्छा स्मार्ट आर्ट और शेफ्स में क्या फर्क है, देखिए स्मार्ट आर्ट और शेफ्स में फर्क है, शेफ्स को अलग अलग बनाना पड़ता है, उनको अलग अलग मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग डिजाइन देना पड़ता है, पर यहाँ पे ये सारा का मैनेज हो जाता है एक ही साथ इस वाले कैनवेस के अंदर, इस कैनवेस के अंदर ये है। अब यहाँ से आप इसको क्लिक कर दें, ये खुल गया, यहाँ से ऑफ कर दें तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा दोबारा से, और इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर आ गया वर्ड आर्ट, कि इसको टेक्स्ट के साथ कैसे वर्ड रैप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि आप इसको स्क्वायर कर दें, तो फिर ये टेक्स्ट के साथ खुद ही मैनेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लिक करके कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, तो ये देखिए इसके साथ खुद ही मैनेज हो गया, ये देखिए, और जहाँ पे मैं इसको मैनेज करूंगा वहां जाके चला जाएगा, ठीक है। उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा ऐसे कर लें और सब छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका अरेंजमेंट टेक्स्ट के साथ। अब आते हैं इसको दूसरे लेआउट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने ये वाला लेआउट लिया था, अब इससे रिलेटेड हमें और लेआउट मिलेंगे जो लिस्ट को डिफाइन करते हुए। लेट्स सपोज हम इस वाले लेआउट में कन्वर्ट करते हैं, ये लेआउट उससे ज्यादा एडवांस है, इसमें जो नाम है वो नीचे आ रहे हैं, और यहाँ से टास्क पेन खोल लें और उसमें आप फोटो भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया इस फोटो वाले सेक्शन पे, और ये हमारे सामने खुलेगा आगे। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक किया, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके हमारे पास फोटोज कहाँ पे रखे थे वो देखते हैं हम जाके। ये लगा दिया अपने फोटो, यहाँ पे लगा दिया हमने एक फोटो, ठीक है। तो इस तरह हम अलग अलग फोटोज भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें एक फोटो लगा दिया तो फिर दूसरा फोटो डबल क्लिक करने पे नहीं लगेगा, उसके लिए फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, शेप पे क्लिक करके
फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, यहाँ शेप फिल जैसे हम शेप में करते हैं वैसे पिक्चर पे क्लिक करना पड़ेगा, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से फिर जो दूसरा फोटो हमें लगाना है उस पर हमें यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसके और लेआउट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट डिजाइन में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हम इस वाले लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह का है, जैसे कि हम इसको इस लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, और जैसे कि हम इसको इस लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा भी हमारा लॉस नहीं होगा और वो लेआउट पे भी कन्वर्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो जो भी प्रॉपर आपको लेआउट रखे कि हाँ भाई ये सही है, इसको मुझे लिंक कर देना चाहिए इसको कन्वर्ट, तो उसमें आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा से इसको लाके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट को मैनेज कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के।